अमित कुमार ने खोला इंडियन आइडल 12 का सच, बताया कंटेस्टेंट्स की तारीफ करने के मिले पैसे। कई बार शो पर लग चुका है स्क्रिप्टेड होने का आरोप। टीवी के पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में हाल ही के एक एपिसोड में किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। इस एपिसोड में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचे। जजेस और कंटेस्टेंट ने किशोर कुमार के 100 गाने गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन जनता इस एपिसोड को हजम ना कर सकी। कुछ यूजर्स ने शो के जजेस को ट्रोल करना शुरू कह दिया, ये कहकर कि उन्होंने किशोर कुमार के गाने को अच्छे तरीके से नहीं गाया। अब हाल ही में अमित कुमार ने कहा कि वो शो में स्पेशल गेस्ट बनकर केवल कंटेस्टेंट्स की सराहना करने और पैसों के लिए गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में अमित कुमार ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि लोग एपिसोड के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। अमित ने कहा कि उन्हें कंटेस्टेंट्स की सराहना करने के लिए कहा गया था, फिर चाहे वो कैसा भी क्यों गा रहे हो। इसके साथ ही उन्होंने इस एपिसोड में शामिल होने के लिए जो हामी भरी थी वो पैसों के चलते भरी। अमित ने आगे कहा, मुझे जो कहा गया वही मैंने किया। मुझे कहा गया कि सभी को प्रेज करना है, जो जैसा भी गाए उसकी सराहना करनी ही करनी है, क्योंकि वो किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। मुझे लगा कि पिता को खुशी महसूस होगी, लेकिन नहीं हुआ। मैंने बस वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मैंने यहाँ तक कि एडवांस में स्क्रिप्ट भी मांगी, लेकिन मुझे मुहैया नहीं कराई गई। अमित कहते हैं कि हर किसी को पैसों की जरूरत होती है। मेरे पिता भी पैसे के पीछे कई काम करते थे। मैंने जो पैसा मांगा उनसे, उन्होंने मुझे दिया। मैं क्यों उसे छोड़ता, लेकिन ठीक है, मेरे अंदर शो के प्रति पूरी इज्जत है। साथ ही जजेस और कंटेस्टेंट्स भी अच्छे हैं। ये एक ऐसी चीज थी कि बस एक बार करनी थी, कर दी। वेल, ऐसा पहली बार नहीं है कि ये शो लोगों के निशाने पर आया हो। कई बार शो पर स्क्रिप्टेड होने का आरोप लग चुका है, जैसे कि शो में कंटेस्टेंट सवई भट्ट को गरीब दिखाना और ये बताना कि सवई ने काफी स्ट्रगल किया है। लेकिन सवई की कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जहां उन्हें कॉन्सर्ट में गाते हुए देखा गया। वहीं कुछ फैंस ने मेकर्स पर यह आरोप लगाया था कि वो शो के कंटेस्टेंट पवनदीप और अरुणिता के बीच लव एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फेक है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।